नमस्कार दोस्तों, वर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने 24,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के धन की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन जांच के तहत कोलकाता स्थित एक सहकारी समिति और सहारा समूह के खिलाफ छापेमारी के बाद करीब 3 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ छापेमारी की गई। हालांकि यह नहीं बताया गया कि ये छापेमारी कब की गई। धन शोधन की जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया समूह की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज FIR से उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा, सोसाइटी ने 1 करोड़ से अधिक निवेशकों और जमाकर्ताओं से उच्च रिटर्न का वादा करके 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की। इसमें कहा गया है कि अभियान के दौरान हमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के खाता बही, डिजिटल उपकरण सहित अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज जब्त किए गए तथा 2.98 करोड़ रुपये नकद अपराध की आय भी जब्त की गई। ईडी ने आरोप लगाया। इसके बाद सोसाइटी नियत तारीख के बाद भी परिपक्वता राशि वापस करने में विफल रही। सोसाइटी द्वारा जुटाई गई धनराशि को MB वैली सिटी लिमिटेड सहित सहारा समूह की कई संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि अपराध से अर्जित आय का पता लगाया जा रहा है।